पंचकुला के कई गांव व कॉलोनियों से आई विधवा महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पंचकुला की उपायुक्त आशिमा बराट से मिली। महिलाओं की मांग थी, कई साल पहले सरकार द्वारा विधवाओं के लिए 10,000 की सहायता राशि देने का प्रावधान रखा था, जिसके तहत जिन महिलाओं के पति मर गए हैं उन्हें ये राशि दी जाती थी, लेकिन अब नोटिस के माध्यम से उनसे विभाग द्वारा पैसे वापस देने की मांग की जा रही है। अपनी शिकायत लेकर जिला सचिवालय में पहुंची विधवा महिलाओं ने बताया कि वह सब बीपीएल परिवारों से है। कुछ समय पहले उन्हें सरकार द्वारा उनके पति के देहांत पर 10,000 की सहायता राशि दी गई थी, लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद उन्हें नोटिस के माध्यम से सरकार पैसे वापस देने की मांग कर रही है, जबकि उनके पास गरीबी के चलते पैसे नहीं है। वह जो पैसे सरकार द्वारा दिए गए थे सब खर्च हो चुके हैं। ये जो विधवा के कारण मिली थी 2008 में मिली थी, जब मेरे घरवाले की डेथ हुई थी। ये डीसी ऑफिस से फार्म भर के दिया था जी हमने, यहीं से हमारे को चेक मिला था। वो कहते हैं कि उन्होंने बोला था कि अगर 4 तारीख तक तुम पैसा जमा नहीं करोगे तो तुमको मतलब कोर्ट केस हो जाएगा, पुलिस केस। हाँ जी, पुलिस केस हो जाएगा जी। तो आपने बात बोल किसी अधिकारी से ऐसा, क्योंकि यार ये पहले दिए गए हैं फिर? हमने बोला, इन्होंने बोला जी ये तो वापस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये तो तुम्हारी विधवा पेंशन भी, अब तुम अमीर हो गए, पहले तुम गरीब थे। अमीर कहाँ से होगा, क्या करते हो अब? जब हमारे कमाने वाले ही चल गए जी, हम तो अमीर कहाँ से, हम तो गरीब ही है। जिस औरत का एक आदमी चल गया, सिर का छतरी चल गया, वो तो गरीब ही है। उन्होंने बताया कि उनके घर में बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, जबकि कमाई का कोई अन्य साधन नहीं है। वहीं उपायुक्त आशिमा बराड़ ने कहा कि जिन लोगों से पैसे वापस लेने की मांग की जा रही है वो कोर्ट के आदेशों से मांगे जा रहे हैं, वो नोटिस भी कोर्ट के आदेशों के बाद भेजे गए हैं। आशिमा बराड़ ने बताया कि एक सर्वे करवाया गया था, जिसके तहत जो लोग पीले कार्ड के पात्र नहीं थे उनसे सभी सुविधाएं वापस ली जा रही हैं, जो दी गई थी उनके साथ ही पीले कार्ड भी कैंसिल किए जा रहे हैं। जिन लोगों के पीले या गुलाबी कार्ड सर्वे उपरांत ये पाया गया कि सही ढंग से नहीं, ये गलत ढंग से बनवाए गए हैं, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि यदि ऐसा कोई भी है तो उसके कार्ड काटा जाए और साथ ही जो उसने बेनिफिट्स लिए हैं वो रिकवर किए जाए। इसलिए जो विभिन्न विभाग हैं वो अपने अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी के लिए नोटिसेस दिए गए हैं, तो उसके लिए जो है कार्रवाई की जा रही है कोर्ट के आदेश में। वही उपायुक्त ने मिलने पहुंची महिलाओं को संबंधित विभाग से इस बारे में जवाब मांगने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।